हाँ तो भाई, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी न्यूज़ दे देता हूँ। देखिए, पिछली बार की तरह इस बार भी हमारे चैनल पे आपको सोल्ड हैंड रिटन असाइनमेंट प्रोवाइड कराए जाएंगे, तो आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का दबा दीजिएगा, ताकि आपको सारे सोल्ड हैंड रिटन असाइनमेंट टाइमली प्रोवाइड कराया जा सके। अब बात कर लेते हैं भाई आपके असाइनमेंट की अपडेट की। देखिए क्या हुआ था, अभी कुछ दिन पहले असाइनमेंट की डेट शीट आई थी, जो अब वेबसाइट से रिमूव कर दी गई है, और इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई दी थी उसी दिन ही जिस दिन रिमूव कर दी गई थी। तो रीजन शायद ये हो सकता है क्योंकि वो जो डेट शीट थी बहुत कंफ्यूजिंग थी, और कंफ्यूजिंग होने की वजह से शायद उसे हटा दिया गया। अब दोबारा से डेट शीट आएगी, कब आएगी अभी बताता हूँ, ठीक है। अब आपके मन में एक और डाउट आ रहा है कि भाई क्वेश्चन पेपर हमको कहाँ से डाउनलोड करना है, कब मिलेंगे हमें क्वेश्चन, और कितना टाइम मिलेगा हमें आंसर लिखने के लिए। तो देखिए, जो टाइम मिलेगा आपको आंसर लिखने के लिए, कम से कम आपको एक हफ्ता तो दिया जाएगा भाई आपको आंसर लिखने के लिए। टेंशन मत लो, ठीक है ना, एक हफ्ता मिलेगा। तो एक हफ्ते में मैं आपको बड़े इजीली सारे असाइनमेंट प्रोवाइड करा दूंगा। और साथ ही साथ भाई, अब आपको डाउनलोड कहाँ से करना क्वेश्चन पेपर, देखिए मेरे अकॉर्डिंग भाई आपको स्टूडेंट डैशबोर्ड जो होता है, आप बहुत अच्छे से जानते होंगे स्टूडेंट डैशबोर्ड SOL की वेबसाइट पे, वहां से आपको लॉगिन करके वहां पे आपका क्वेश्चन पेपर वगैरह आएंगे, तो आपको वहां से ही डाउनलोड करना पड़ेगा। तो आपको ये भी क्लियर होगा, और वहीं पे आपका जहां तक अपलोड भी होगा, क्लियर हो गया होगा बात। या तो फिर अदर लिंक कोई आ जाएगा, कोई अलग से लिंक आ जाएगा वेबसाइट पे, उस पे आपको लॉगिन करके तब आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना होगा एंड देन अपलोड कर देना है। तो यही प्रोसीजर होगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब भाई क्वेश्चन पेपर आपके आएंगे कब, तो भाई आशा ऐसी जताई जा रही है कि आपके क्वेश्चन पेपर जो है वो 10 या 11 तारीख के आसपास आ जाएंगे, यानी कि 10 या 11 तारीख को आपके आ जाएंगे क्वेश्चन पेपर, और आपके 15 से जो है असाइनमेंट चालू है प्रीवियस जो डेट शीट आई थी उसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो मैंने ये चीज आपको कंफर्म कर दी। आप बात कर लेते हैं भाई, जो आपकी डेट शीट है वो कब आएगी, एडमिट कार्ड कब आएगा, और जो गाइडलाइंस वगैरह जो होती है वो कब आएंगी। तो देखिए, अभी उड़ती उड़ती मेरे पास एक खबर आई है कि अभी 2 दिन तक आपके पास ऐसी कोई भी न्यूज़ नहीं आएगी असाइनमेंट के रिलेटेड, यानी कि 2 दिन से मेरा मतलब है, एक दिन आज का होगा और एक कल का, ठीक है ना, आज और कल का। आज 7 तारीख है, कल 8 तारीख है, तो इन 2 दिन में ऐसी कोई अपडेट नहीं आएगी आपके, ना एडमिट कार्ड से रिलेटेड, ना आपके गाइडलाइंस से रिलेटेड, और ना ही आपके जो बचे कुछ चीज़ें हैं असाइनमेंट की उनसे रिलेटेड, ठीक है। और जब भी कोई ऑफिशियल न्यूज़ आएगी वो भी मैं आपको टाइमली प्रोवाइड करा दूँ, तो आपको इस चीज़ की भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आज का दिन तो आप बेफिक्र होकर गुजार दीजिए, ज़्यादा पैनिक क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं है, आप बेफिक्र होकर आज का दिन गुजार सकते हैं। और बाय चांस मान लो अगर मैं गलत साबित होता हूँ, अपडेट आ भी जाती है, तो कोई टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको वो भी सारी प्रोवाइड कराऊंगा भाई। जैसी ऑफिशियल न्यूज आती है उसके 10-15 मिनट बाद ही मेरी वीडियो आ जाती है, तो आप वॉच आउट कर सकते हैं, आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो बस यही छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।